बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। प्रेगनेंसी का सबसे इनिशियल सिम्टम्स जो कि आपको कुछ दिन जैसे ही प्रेगनेंसी रुकी है वैसे ही आपको आनी शुरू हो गई है, जैसे कि इम्प्लांटेशन हुआ या फिर इम्प्लांटेशन के भी पहले जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस वक्त भी महिलाओं के शरीर में कुछ लक्षण दिखते हैं। लेकिन हाँ, महिलाएं इसको पहचान इसलिए नहीं पाती हैं क्योंकि वो लक्षण इतने छोटे तौर पर दिखते हैं जिसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये वही महिलाएं पहचानती हैं जो कि अपने बॉडी के प्रति काफ़ी सेंसिटिव छोटी से छोटी बातों को भी पहचान लेती है, जैसे कि उनके कानी उंगली में, जैसे कि पैर के सबसे छोटी उंगली में हल्का सा खुजली हो रहा है, उसको इमिजिएट उनका ध्यान वहाँ चला गया। तो ये छोटा सिम्टम्स होता है जिसको पहले पहचान लेना, जल्दी पहचान लेना, तो ये हर एक बस की बात नहीं है क्योंकि महिलाएं इतना व्यस्त होती हैं अपने काम में जो कि अपने हर एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को वो छोड़ देती हैं, इग्नोर कर देती हैं। तो एक से सबसे ज़्यादा सिम्टम्स है फर्टिलाइजेशन के दौरान उनके पेट में क्रैम्पिंग होना। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, खासकर जो महिलाएं सबसे पहले नोटिस कर रही हैं, मतलब कि उनको पता है कि इस मंथ उनका कंसीव होने वाला है, उन्होंने इस मंथ ट्राई किया है, और फर्टिलाइजेशन कब होगा, आपके ओवुलेशन के बाद, यानी कि एग जब रिलीज होगा, एग सेल से मीट होगा और अब फर्टाइल होगा, तो फर्टाइल कब होगा वो उस दिन भी हो सकता है, यानी कि ओवुलेशन वाले दिन भी हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है, या 3 दिन उसको लगता है फर्टाइल होने में। तो इस तरीके से उन 3 दिनों में वो नोटिस कर रही हैं कि उनके बॉडी में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि हो सकता है कि निप्पल्स में हल्का सा उनको खुजली महसूस हो, उसके बाद ये हो सकता है कि पेट के किसी भी साइड, यानी कि दाएं साइड या बाएं साइड, उनको क्रैम्प महसूस हो। अब ये क्रैम्प बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी क्या पीरियड के क्रैम्प के जैसा होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये पीरियड के क्रैम्प के जैसा नहीं होगा, उससे 50% या 20% होगा, उतना क्रैम्प होगा। तो ये किसी एक साइड होगा। अब ये किसी एक साइड क्यों होगा, क्योंकि किसी एक साइड के फेलोपियन ट्यूब में और ओवरी से एग रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचता है और उस वक्त सेल से मीट होता है, तो जो सेल से मीट होता है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही होती है तो हल्का सा क्रैम्प उनको महसूस होगा किसी एक साइड, तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ। ब्रेस्ट में हल्का सा बिल्कुल चेंज नज़र आएगा, भारीपन महसूस होगा उसे कुछ घंटे, उसके बाद नहीं। हो सकता है कि हल्का सा आपके अंदर कमजोरी फील हो या लेजीनेस फील हो या फिर थकान जैसा फील होने लगेगा, तो ये भी कुछ घंटे महसूस होगा। अब इसके बाद आता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कब होता है, तो ये आपके ओवुलेशन के 6 से लेके 12 दिन के बीच में नॉर्मली हो जाया करता है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा समय लगे या इससे कम भी समय लग सकता है, लेकिन नॉर्मली इन दिनों के बीच में हो जाता है, यानी कि आपके 3रे से 4थे हफ्ते के बीच में या 3रे से 2.5 हफ्तों के बीच में आपका इम्प्लांटेशन होगा। तो ये जब होगा तो आपके पेट में हल्का सा दर्द होगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये दर्द होगा तभी इम्प्लांटेशन का एक पक्के तौर पे निशानी कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसके बाद से बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, जैसे ब्रेस्ट में कड़ापन महसूस होना, हेवी महसूस होना, थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स होना, उसके बाद टेस्ट में चेंज हो जाना, लेग में क्रैम्प होना, हेयर फॉल होना या फिर हेयर का ग्रोथ बढ़ जाना, आपके आईब्रोज़ का ग्रोथ बढ़ जाना, आपके जो नेल्स हैं वो टूटने लगना। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं, इनिशियल सिम्टम्स। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ, मुझे लिखिए आपको कौन सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।